कितना असर चंद्र ग्रहण का भारत में रहने वाला है और कौन कौन सी राशि पर इसका असर पड़ने वाला है? देखो ये 28 तारीख तो जो अक्टूबर को शनिवार को जो ग्रहण लगने वाला है चंद्र ग्रहण, ये पूरे भारत वर्ष में खंड ग्रास की स्थिति में नजर आएगा। ये ग्रहण भारत के अतिरिक्त अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के उत्तरी पूर्व भागों में तथा हिंद महासागर में दिखाई देगा। ये ग्रहण रात्रि 1:16 पे स्पर्श होगा और रात्रि 2:25 पर इसका मोक्ष काल होगा। ग्रहण का मध्य काल रात्रि 1:51 तक रहेगा। ग्रहण का पर्व काल 1:09 तक रहेगा। ये ग्रहण अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होने से धार्मिक क्षेत्रों के और इस्लामी देशों के लिए थोड़ा कठिन परिस्थितियों वाला कहा जा सकता है। जहां ग्रहण दिखाई ना दे वहां दान पुण्य आदि वगैरह का कोई महत्व नहीं होता। ग्रहण के समय स्नान आदि जप पाठ पूजा हवन इत्यादि करना श्रेयस्कर रहता है। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में कौन कौन सी राशि पर इसका असर पड़ेगा और किस तरीके से ये रहने वाला है? मेघ वृक्ष मकर व कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण जो निष्ठ फल कारक रहेगा। कुंभ, धन कुंभ, वृश्चिक और कर्क मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ फल कारक रहेगा और इसके अतिरिक्त मीन, तुला और सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण सामान्य फल कारक रहेगा। अगर बात करें जिस तरीके से ग्रहण लग रहा है, इस जब ग्रहण लगता है तो इस दौरान क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता होती है? ग्रहण के समय ज़्यादातर गर्भवती औरतों के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। उनको अपने शरीर का जो आकाश की छाया से दूर रहने की आवश्यकता है। उनको उस दिन कपड़े निचोड़ना या सिलाई करना या कैंची का छुरी आदि से कोई काम कार्य करना मना है। इसके लिए उनके नहीं तो आने वाले शिशु पे बुरा असर पड़ सकता है। ग्रहण के समय सोना खाना पीना तथा वर्जित है, लेकिन बच्चों बूढ़ों व गर्भवती औरतों के लिए ये चीज़ें मना नहीं। अगर बात करें क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता है अगर बात करें पूरा तो ग्रहण के समय जप पाठ और हवन वगैरह करना ज़्यादा उचित रहता है। इसमें उनका जो बुरा असर है जो जिन राशियों के लिए खराब फलकारक है उन लोगों को उन राशियों वालों को तो अपना ग्रहण के समय अपना जप पाठ हवन वगैरह करना ज़्यादा उचित है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ग्रहण के दर्शन बिल्कुल नहीं करने चाहिए और ना ही अपना अश्विनी नक्षत्र से जो जिसका चतुर्थ पाद है उसको तो बिल्कुल ही ग्रहण वगैरह का दर्शन नहीं करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।